नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरी लेक्चर एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज़ के लेक्चर टोटल मिला के 21 हो चुके हैं, ये 22वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ नई चीज़ों के बारे में बताया था, अप्रकाशक ग्रह जिनके बारे में बहुत कम मिलने को सुनने को मिलता है। और वो अप्रकाशक ग्रह थे धूम, व्यतिपात, इंद्रचाप, परिवेश, उपकेतु, कि अगर वो कुंडली में लग्न के साथ बैठते हैं या लग्न के स्वामी के साथ बैठते हैं तो किस तरीके से वो हानि करते हैं और क्या वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जैसे उनकी महत्ता थी कुंडली का प्रेडिक्शन करने में, इसी प्रकार से एक और है, उसको बोलते हैं गुलिक। इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है कुंडली का विश्लेषण करने में। हमें यह भी ध्यान देना होता है कि कुंडली में गुलिक किस भाव में है, क्योंकि जिस भाव में गुलिक होता है कुछ स्पेशल भावों को छोड़ के अदरवाइज उस भाव में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको रिजल्ट ऐसा नहीं कि रिजल्ट आपको बुरे आ जाएंगे, रिजल्ट तो आपको अच्छे मिलेंगे लेकिन साथ में थोड़ा सा माइनस भी डाल देगा। तो वो क्या चीज़ है, गुलिक कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जाता हूँ कि गुलिक कैसे निकाला जाता है। तो गुलिक निकालने के लिए सबसे मैंने आपके सामने ये जाता कि कुंडली दी हुई है, ये 4 मई 1992 का इस बच्चे का जन्म हुआ है। सुबह के 11:40 का टाइम है, दिल्ली की बात है, दिल्ली मंडे, सोमवार का दिन है। उस दिन सूर्योदय हुआ है 6:30 और सूर्यास्त हुआ है 8:30, जिस दिन ये 4 मई 1992 की ये बात है। तो आप इसमें ये देखेंगे कि सूर्योदय का समय है 6:30, सूर्यास्त है 18:30, तो आपका दिनमान कितना आया। दिनमान की वैल्यू आप लोगों ने पहले निकालनी है गुलिक निकालते हुए। दिनमान कैसे निकालेंगे, दिनमान मींस सूर्यास्त का समय यानी 18 आवर्स 30 मिनट्स माइनस सूर्योदय का समय 6 आवर्स 30 मिनट्स। तो ये आपका आ गया 18 आवर्स में से 6 आवर्स गए आपका 12 आवर्स टोटल मिल गए आपके, बाकी तो जीरो हो गया मिनट। तो कहने का मतलब है जो दिन की जो वैल्यू हो गई ये 12 हो गई, 12 आवर्स, यानी दिनमान हुआ 12 घंटे का। इस दिनमान का हम लोग 8 भाग करते हैं, इसके 8 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको 8 पार्ट्स करते हैं। तो एक पार्ट हमारा जो हुआ, एक भाग हमारा हुआ 1.5 घंटे का, 1 आवर 30 मिनट्स का एक पार्ट हुआ हमारा, इसके हमने 8 भाग कर लिए। तो 8 भाग हमारा, एक भाग 1 घंटा 30 मिनट का हमारा भाग आ गया इसके 8 भाग करने से। अब इसमें देख सकते हैं कि 15 8 जा 120, तो 1.5 आ गया, 1.5 मीन्स 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स हमारे इसमें आ गए। अब इसमें क्या होता है कि पार्ट्स जो हैं ये 8 पार्ट 7 ग्रहों के होते हैं, एक ग्रह खाली जाता है, एक पार्ट खाली जाता है 8वां। अब उसमें कैसे होता है कि जैसे सोमवार का दिन है, ये हम बात कर रहे हैं सोमवार की, इस बच्चे का जन्म हुआ है, तो जो पहला पार्ट होगा वो सोमवार का होगा। पहला पार्ट कौन सा, जन्म है 11:40 AM, ये बच्चे का जन्म है। तो 11:40 AM से जब हम यहां लगाएंगे सोमवार को पहला पार्ट, दिनमान देखिए कहां से स्टार्ट है आपका, दिनमान आपका स्टार्ट है सुबह 6:30 बजे से, सूर्योदय 6:30 से है। तो 6:30 में अगर हम 1.5 घंटा जोड़ेंगे यानी 8 बजे तक, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट हमारा आएगा 9:30 बजे तक, तीसरा पार्ट हमारा फिर 1.5 घंटे बाद यानी कि 11 बजे तक, चौथा पार्ट 1.5 घंटे बाद 12:30 बजे तक, पांचवा पार्ट 1.5 घंटे बाद 2 बजे तक, 1.5 घंटा इसमें जुड़ गया, फिर 3:30 तक, फिर 5 तक। तो इसमें लाके 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद 6:30 तक जब तक सूर्यास्त होता है, तो ये 8वां पार्ट हो गया। यानी सूर्य से सूर्योदय में स्टार्ट हुआ और उसके बाद 8वां पार्ट हमारा यहाँ ख़त्म हुआ, इसके हमने 8 पार्ट कर लिए। तो मैंने जैसे बताया कि जन्म सोमवार का है तो पहला पार्ट सोमवार का होगा, तो ये पहला पार्ट यानी 6:30 से 8 बजे तक का जो पार्ट है वो सोमवार का होगा, 8 बजे से 9:30 तक का पार्ट जो है वो मंगलवार का होगा, 9 बजे से 11:30 बजे तक का जो पार्ट होगा वो बुधवार का होगा, 11 बजे से 12:30 बजे तक का जो पार्ट होगा वो बृहस्पतिवार का होगा, 12:30 से 2 बजे जो पार्ट होगा वो शुक्रवार का होगा, और 2 से 3:30 तक जो पार्ट होगा वो शनिवार का होगा। एक पार्ट खाली आता है।
तो जो शनिवार का पार्ट होता है उस समय, शनिवार का पार्ट का खत्म हो रहा है 3:30 बजे, यानी इस समय जो लग्न होगा वो गुलिक कहलाएगा। 3:30 बजे अब हम सेम तारीख रखते हुए, यही डेट रखते हुए, दिल्ली का टाइम दिल्ली रखते हुए, सेम मंडे ही रखते हुए, सिर्फ यहाँ पे 11:40 AM की जगह हम 3:30 बजे का टाइम डालेंगे, तो जो लग्न हमको प्राप्त होगा वो लग्न गुलिक कहलाएगा। यानी जो लग्न क्या प्राप्त हुआ, जैसे मान लिया, सपोज कीजिए कि आपने कुंडली की और आपको मालूम हुआ कि जो आपका लग्न है वो 6 निकलता है, लग्न आपका कन्या राशि आती है, तो इसका मतलब गुलिक आपका यहां पर है। तो ये गुलिक निकालने का सिंपल सा मेथड है कि जो आपका दिनमान है, यानी सूर्यास्त का समय माइनस सूर्योदय का समय, जो दिनमान आपका आया उस दिनमान के 8 पार्ट कर लीजिए, और वो 8 पार्ट ग्रहों के हिसाब से होते हैं। पहला पार्ट जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उसी दिन का पार्ट होता है। अगर यहाँ पे मान लिया शुक्र का पार्ट होता, या शुक्रवार होता दिन, तो पहला पार्ट होता शुक्रवार का, दूसरा पार्ट होता शनिवार का, तो हमको गुलिक ही मिल जाता, क्योंकि शनिवार वाला पार्ट ही जो होता है वही गुलिक का पार्ट होता है। तो ये तो बाई चांस ऐसा है कि ये मंडे का टाइम मिला है, तो इसलिए हम लोग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे गए हैं नीचे तक। यहाँ पर संडे भी हो सकता है, संडे होगा तो पहला पार्ट संडे का हो जाएगा, तो गुलिक वाला पार्ट नीचे मिलेगा, फिर हमको शनि का पार्ट नीचे वाला आ जाएगा। तो हम लोगों को चेक करना है कि शनि का पार्ट कहाँ आ रहा है, जो भी दिन माना है उसके 8 पार्ट करके हम देख रहे हैं शनि का पार्ट कौन सा आता है, और शुरुआत वहाँ से करनी है जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है, मंडे से। मंडे है तो मंडे, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे है वेडनेसडे। उसे करने के बाद उस समय का आपको तारीख यही रखते हुए, यही दिन रखते हुए और यही प्लेस रखते हुए, सिर्फ समय चेंज करके जो ये समय आया है वो समय डाल के आपको लग्न निकालना है। तो जो लग्न आपका आएगा, आप कुंडली की सहायता, सॉफ्टवेयर की सहायता से निकाल सकते हैं, तो जो लग्न आपका आएगा उस लग्न में अगर 6 नंबर आता है तो गुलिक यहाँ बैठा होगा, और अगर लग्न आपका 10 नंबर आता है तो गुलिक यहाँ पर आ जाएगा, और कहीं भी आपका आ जाए तो इस तरीके से गुलिक आपका चेंज होता रहेगा। तो गुलिक में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, गुलिक अगर लग्न में बैठ जाए, ये अगर लग्न में बैठता है तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्वास्थ्य में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसा नहीं कि बीमार रखेगा, अगर ये भाव अच्छा है, भाव की स्ट्रेंथ अच्छी है, भावेश की स्ट्रेंथ अच्छी है षडबल के हिसाब से, तो भाव तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, इसके रिजल्ट बहुत स्ट्रांग मिलेंगे, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करा देगा ये स्वास्थ्य में, क्योंकि गुलिक अगर यहाँ बैठा हो, गुलिक अगर यहाँ बैठा हो, अगर गुलिक आपका सेकंड भाव में बैठा होगा, सेकंड भाव में बैठा होगा, सेकंड भाव है वाणी का, धन का, तो सेकंड भाव वाणी का होने से क्या है कि आपकी वाणी बड़ी कठोर हो जाएगी, और घर में कलह होने के चांसेस होते हैं कि घर में कलह हो सकती है। भाव अगर आपका स्ट्रांग है, भावेश स्ट्रांग है, तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलने ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गुलिक के यहाँ बैठने से कलह की भावना बन जाती है। तीसरे भाव में गुलिक अगर बैठता है तो आदमी पराक्रमी तो बहुत होता है, उसमें पराक्रम तो बहुत ज़्यादा होता है, परंतु भाई बहन के सुख में, चूंकि तीसरा भाव भाई बहन का भी होता है, भाई बहन के सुख में कमी आ जाती है, उनसे थोड़ी अनमन हो जाती है, क्योंकि तीसरा भाव इनका है, पराक्रम देगा आपको, हिम्मत देगा, करेज देगा, लेकिन करेज को इतना ज़्यादा दे देगा कि उससे आप अपने भाई बहन से ही कलह कर लेंगे, उनसे ही अनमन आपकी हो जाएगी। चौथे भाव में गुलिक अगर बैठ जाए, चौथा भाव है सुख का, तो सिंपली बात है कि आपके सुख के दिन चल रहे हैं, लेकिन बीच में एक झटका आपको वो जरूर देगा, बीच में एक बार दुख का झटका आपको जरूर खिलाएगा अगर गुलिक यहाँ बैठता है तो। अगर गुलिक पंचम भाव में बैठता है, पंचम भाव है बुद्धि का, नॉलेज का, ज्ञान का, विजडम का, तो सीधी सी बात है बुद्धि को घुमा देगा। पंचम भाव आपका स्ट्रांग है, पंचम भाव का स्वामी आपका स्ट्रांग है, तो आपका पंचम भाव के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, लेकिन बीच में आपकी बुद्धि जरूर घुमाएगा कुछ समय के लिए अगर गुलिक यहाँ बैठा हो। छठे भाव में गुलिक का बैठना अच्छा माना जाता है, अगर छठे भाव में गुलिक बैठा, छठा भाव है शत्रु का, रोग का, ऋण का, अगर छठे भाव में गुलिक बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति शत्रु हंता होगा, अपने शत्रुओं को परास्त कर देगा। सातवें भाव में अगर गुलिक बैठ जाए, तब सातवां भाव है दाम्पत्य जीवन का, तो दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा। आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हुआ कुंडली के हिसाब से, पत्नी आपको बहुत सुंदर मिली है, आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा चल रहा है, आपका मतलब जो भी सातवें भाव के रिजल्ट आपके हैं वो आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन बीच में एक झटका देगा कि वो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा दाम्पत्य भाव में कभी ना कभी, जब ये क्योंकि इसमें गुलिक आ गया है। आठवें भाव में अगर गुलिक चला गया तब क्या होगा, तब आपको
ये शरीर में आपके स्वास्थ्य में बहुत कमी कर देगा, क्योंकि कष्टों का भाव है साथ, आठवां भाव कष्ट कर देगा। नवे भाव में जाता है तो ऐसे में क्या होगा, ये गुरु का भाव होता है, धर्म का भाव होता है। तो आप मतलब आदमी धर्म पे चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है हर चीज़ को, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है, सारे जो भी हमारी समाज में रहने की गाइडलाइंस बनी हुई हैं उनके हिसाब से चल रहा है, लेकिन बीच में अचानक ही उस समाज की उन गाइडलाइंस को या उन रूल्स को या उस जो भी कहते हैं धर्म के मार्ग को बीच में वो तोड़ने का प्रयत्न करेगा, अगर गुलिक इस भाव में आ गया। दसवें भाव में गुलिक अगर आ जाता है तो यहाँ पे इंसान दसवां भाव अगर बहुत अच्छा है, भाव भी अच्छा है, भाव का भावेश भी अच्छा है, षटबल के हिसाब से दसवें भाव के आपको रिजल्ट आपने प्रेडिक्ट कर दिए कि बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन चूंकि गुलिक यहाँ पर है तो बीच में एक समय जरूर ऐसा आएगा कि जब इंसान थोड़ा अशुभ कार्य करने पे बाध्य हो जाएगा। अगर ग्यारहवें भाव में गुलिक आता है, ग्यारहवें भाव में गुलिक आता है तो आदमी सुखी बनता है, तेजस्वी बनता है। ग्यारहवें भाव में गुलिक का होना, छठे भाव में गुलिक का होना और ग्यारहवें भाव में गुलिक का होना, तीसरे भाव में गुलिक का होना पराक्रम बढ़ाता है, छठे भाव में होने से शत्रु हंता बनता है, बीमारियों पर विजय प्राप्त होती है, ग्यारहवें भाव पे ये भी होना इसका बहुत अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, धनवान होता है। बारहवें भाव में अगर गुलिक चला गया, बारहवां भाव खर्चे का भाव है, तो मैक्सिमम खर्चा करा देगा, मतलब आदमी को दीन बना देगा बिल्कुल। तो ये गुलिक की प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आपको बताई, ये कुछ ऐसे जो पिछले बार पांच प्रकाशक ग्रह बताए थे और इस बार जो गुलिक आपको बताया मैंने, इसका नॉर्मली बहुत कम वर्णन मिलता है कहीं पे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एकदम किसी भाव को हमने निकाल लिया कि भाव बल के हिसाब से, षट बल के हिसाब से ये भाव बहुत अच्छा है, इसके भाव के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन बीच में कहीं कोई ऐसा वक्त आ सकता है जब बीच में थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, उसका भी तरीका है कि कैसे आप निकालने की नेगेटिव रिजल्ट आपको कम मिलेंगे, वो भी दशा और गोचर के हिसाब से आपका फिट निकल जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके अप्रकाशक ग्रह जो पीछे बताए और ये गुलिक कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, तो उस भाव में थोड़ी बहुत ये कमी भी कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, कोई चीज़ में समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं और मैं हमेशा रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नई नई वीडियो शेयर करने का। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।